गुरु प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी दी अमोलक लिखत भाई मरदाना दा दूसरा हिस्सा आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। सुल्तानपुर विच कुछ समा सत्संग दा रंग खिड़िया रहा। गृहस्थ ते सन्यास, प्रवृत्ति ते निर्वृत्ति, ग्रहण ते त्याग, घर ते उदासी दुए कहीं निभ सकते हैं, पर इत्थे ए अमली जीवन दे उपदेश पर तक निभदे दिसदे रहे। सत्संग दा रंग रब्बी खेड़े प्रकाश पाउंदे रहे कि एक दिन सतगुरु जी दे जी विच जगत जलंदे दी रखिया दा कोई फुरना फुरिया, अरशी हुकम आया ते वेई दा कौतक वरतिया। सतगुरु जी वेई विच इशनान करन वड़े लोप हो गए। लोकां जाता के शरीर किते नदी विच ही रह गया, पर आप कुछ दिना बाद सही सलामत प्रगट आ होए। जदों प्रगट होए तां डेरा लुटा कातिया ते आप फकीरां विच जाए बैठे। उस वेले मर्दाना जो अचरज हो रहा सी कि एक ही खेल वरतिया है सह ना सकिया। होर सारे तां सोचां विचारां ते प्यार विचार दे उपरालियां विच रहे, पर मर्दाना उथे नाल जा बैठा। एक दिन बीत गया, हुण सतगुरु जी दी चुप खुली ते आवाजा होया, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान। ए आवाजा सुन के लोका नवाब नू जा दस्या। नवाब ने श्री गुरु जी नू बुला का लिया, पर आप ना गए। तां सारे लोग की कहन लग पे कि ए कमला होया है। जां ए गल गुरु जी ने सुनी तां मर्दाने नू कहन लगे, मर्दाने आ रबाब वजाए। मर्दाने ने रबाब छेड़िया ते सतगुर दा भाव समझ के मारू दी धुनी लाई। तद सतगुरु जी ने ए शब्द गावया, कोई आखे पूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, भया दीवाना शाह का नानक बौराना, हों हर बिन अवर न जाना रहाओ। तौ दीवाना जानिए जां भय दीवाना होए, एक ही साहिब बाहरा दूजा अवर न जाने कोए। तौ दीवाना जानिए जां एकाकार कमाए, हुकम पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ दीवाना जानिए जां साहिब तरे प्यार, मंदा जाने आपको अवर पला संसार। जां भोग पिया तां आप फिर चुप हो गए, जे बोलन तां एहो बचन मुंह आखण, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान। हुण फिर नवाब ने सदका लिया ते ए कह के सदका लिया कि रब दे वास्ते दर्शन देओ। तां गुरु जी उठ के टुर पे, मर्दाना हुण भी नाल ही गया। उथे जो गलबात होई ते फिर मसीद दा कौतक वरतिया। मर्दाना नाल ही गया सही हुंदा है। मसीद विच जाके सतगुरु ने नमाज ना पढ़ी तां नवाब ने पुछया, आपने क्यों नमाज ना पढ़ी? तां आपने फरमाया कि तुहाडी नमाज गैर हजूरी दी सी। काजी नमाज पढ़दा घर दी वछेरी दे फिक्र विच लगा रहा है ते आप काबुल घोड़े खरीद दे रहे हो। इस तरह दे कौतक तक के ते उस वेले दे उचारे शब्द सुन के नाथ ते सैयद शेखजादे काजी मुफ्ती खान खानीन मेहर मुकदम सब हैरान रह गए। नवाब ने बथेरा जोर लाया कि गुरु जी किवें उस पास टिक जान ते रमते ना होण, पर गुरु जी ने काई गल ना मनी, उसनू असीस दिती ते आप फिर फकीरां विच जा बैठे। फकीर सारे हाथ बन खड़ोते ते सिफतां लगे करन, आखण गुरु जी विच सच दा प्रकाश पा रहा है। इस वेले भी मर्दाना नाल ही सी। सतगुरु ने आग्या कीती कि तिलंग दी सुर छेड़, तां मर्दाने रबाब वजाया, तां श्री गुरु जी ने ए शब्द उठाया। ए तन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए, मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन से जय जाए। हों कुर्बान जाऊं मेहरवाना, हों कुर्बान जाऊं,
ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਰਹਾਉ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਏ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਏ ਨਾਉ ਮਜੀਠ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕਹੂੰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੇ ਪਾਵੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਨਵਾਸੀ ਨਿਰਜਨ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਾ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਫਕੀਰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਥੋਂ ਰਹਿਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।